हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आपके सामने क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जिसमें हम पॉलिनोमियल का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सीबीएसई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन जो कॉन्सेप्ट जो है, यानी सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, सॉल्यूशन करने का तरीका नहीं समझोगे, तब तक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 2x^4 -9x³ + 5x² + 3x - 1। ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है क्या, इफ टू ऑफ इट जीरोज आर 2+√3 एंड 2-√3। तो याद करिए, बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे थे, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पॉलीनोमियल में जितना डिग्री होगा उसका उतना जीरोज होगा। अगर डिग्री 2 है तो समझ लो उसका जीरोज 2 है, डिग्री 3 है तो उसका जीरोज 3 है, डिग्री 4 है तो उसका जीरोज 4 है। डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर। जीरोज का क्या मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उनके वैल्यू को कहते हैं। तो यहाँ पे जीरोज का मतलब है एक्स के टर्म में है ना, तो एक्स का वैल्यू ये 2 दे दिया, 2+√3 और 2-√3। हमें 2 और जीरोज मालूम करना है, क्योंकि डिग्री देखते हो पा रहे हो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 जीरोज हुआ ना। तो चलिए गौर मारिएगा, यहाँ पे जीरोज दे रहा है 2+√3 एंड 2-√3। इसका मतलब आप बचपन समझते आ रहे हो कि x इक्वल 2+√3 जो जीरोज दे रहा है, इसका क्या मतलब, x इक्वल 2+√3। तो 2+√3 जब लेफ्ट में आएगा तो क्या लिखेंगे, x -2-√3। क्लियर है बातें, समझे ना। फिर देखिएगा, यहाँ पे 2-√3 है तो x और 2-√3 जीरो से, इसका मतलब x का वैल्यू है, तो जब इधर लेफ्ट में आएगा तो -2 और +√3, तो -2+√3, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गौर मानिएगा, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, देखिएगा जरा, a मान लो माइनस बी, a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab - 3, तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आप 4-3+1। उम्मीद है बातें समझे, ये क्या हुआ, फैक्टर होगा, विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म आता है वो उस एक्सप्रेशन का, वो पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो आइए, जब फैक्टर है तो हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारा यहां पे जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होगा, 2x^4 - 9x³ + 5x² + 3x - 1। अब हम यहां पे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे जरा गौर मारिएगा, फर्स्ट टर्म से आपका फर्स्ट टर्म कैंसिल होना चाहिए, मतलब नहीं समझे ना, यहां पे फर्स्ट टर्म में क्या एक्स स्क्वायर है, लेकिन लाना मेरे को 2x⁴, क्या करोगे, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, यहां एक्स स्क्वायर है लाना 2x⁴, तो सिंपल सी बात है, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, तो 2x² से सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे 2x⁴, फिर 2x² को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×2=8 यानी -8x³, और 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2x², साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -9 अब +8 क्या होगा, -1x³। क्लियर है, 5x² - 2x² तो +3x² अब +3x - 1। अब गौर मारो, यहाँ पे x स्क्वायर लाना -x³, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³, और -x और -4x को मल्टीप्लाई करोगे +4x², फिर -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल। क्लियर है,
तो 3x² माइनस 4x² आपका होगा यहाँ पे क्या, माइनस x², और 3x प्लस x प्लस 4x माइनस 1। क्लियर है बातें? अब देखिए यहां पे x² है, लाना माइनस x² है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेशक आप समझ रहे हो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस x² माइनस 4x इंटू माइनस 1 प्लस 4x, अब प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, यहां पे साइन चेंज करोगे, प्लस माइनस प्लस, देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। इसका यही ना मतलब होता है कि इसका फैक्टर है। अब याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि और दो जीरोस मालूम करना है तो इसके इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू जो आएगा वही उस क्वेश्चन का अदर दो जीरोस होगा। तो यहां पे अदर दो जीरोस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यानी क्वेश्चन के इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब फिर इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, तो 2x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्लियर है? चलिए अब इसमें से कॉमन लेंगे तो आप समझते हो इसके बाद कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। प्लस 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 दैट इक्वल टू जीरो, आपका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। सॉल्व करोगे आइदर करके तो x माइनस 1 इक्वल जीरो तो x इक्वल 1, फिर इसमें सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1/2, यानी 1 आया और माइनस 1/2 आया। ऑलरेडी मेरे को पहले दो जीरो जो 2+√3 2-√3 और दो जीरो जो आया मेरे को कौन आया, x इक्वल 1 x इक्वल माइनस 2, तो लिखें क्या, ऑल जीरोज इक्वल, उम्मीद दिख रहा होगा, ऑल जीरो जो हो जाएगा आपका यहां पे माइनस 1/2, फिर उसके बाद हो जाएगा 1, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या है 2-√3 और फिर 2+√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बातें आपको समझ आए। फिर से मैं करना चाहूंगा, जो जीरोस दिया रहेगा उसका जो x का वैल्यू दिया रहेगा तो x माइनस अल्फा x प्लस बीटा वैसा करके मल्टीप्लाई करके उस टर्म को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके इक्वल टू जीरो करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है बातें समझ में आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।